हेलो गाइस, क्या हाल है आप लोगों के? सब राजी खुश है? नहीं। ओके, अभी राजी हो जाएंगे हम सब लोग। ये गाड़ी है टाटा एस गोल्ड BS6 और इस गाड़ी का चैम्बर लीकेज था और कस्टमर ने क्या किया कि ऑयल पे ध्यान दिया नहीं और इसको चलाया और चलाने के बाद इसके अंदर वार्निंग लैंप आ रही थी ऑयल की, फिर भी इसको चलाया गया। तो इसके अंदर क्या क्या नुकसान हुआ है वो इस एक्सपेरिमेंट में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये गाइस, गाड़ी हमारे पास रात को आ गई थी, पूरी रात हमारे वर्कशॉप में खड़ी है। तो इसके ग्लास पे देखिए, ये वो जम गया है। तो इसको साफ करके एक बार इसको देखते हैं इसके अंदर क्या हुआ है। तो इसका ये देख लीजिए अंदर का लुक, और हमने इसका कवर हटाया है। तो यहाँ पे देखिए इंजन है इसका, और नीचे से भी दिखाऊँगा आपको। और हमने इसको लैपटॉप से चेक किया था, उसके अंदर ये कोड आ रहा था, पावर मोड स्विच नो लोड एरर। तो गाइस, इंजन से ऑयल निकल गया, मतलब शरीर से खून निकल गया। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको अपन खोल के देखेंगे, क्योंकि इसका सेल्फ ले रहे हैं तो नोकिंग अलग सी आवाज़ आ रही है। और ये इसका नीचे से दिखा रहा हूँ मैं आपको, और ये जो मेन इसका ड्रेन प्लग है ना, वहाँ पे इन्होंने एम सील लगा रखी है और पूरा लीकेज हो रहा है, ध्यान नहीं देने की वजह से ये हुआ है। और आपके पास अगर गाड़ी है तो प्लीज़ ऑयल, कूलेंट और ब्रेक ऑयल, इन चीज़ों का प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें ताकि नुकसान से बच सकें। तो इसको देखते हैं एक बार, चैम्बर खोलते हैं इसका। तो चैम्बर दोस्तों हमारा खुल चुका है, यहाँ पे हम आ गए हैं वापस नीचे, और यहाँ पे इसके बेरिंग चेक करते हैं अभी, और क्रैंकशाफ्ट को भी चेक करते हैं। बेरिंग पे हल्का हल्का सा मतलब सीज हो गए हैं, और क्रैंकशाफ्ट पे भी हल्की सी मार है। तो अभी इसको रिपेयर करना पड़ेगा, इंजन का काम करना पड़ेगा। तो फटाफट कर देते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो दोस्तों सॉरी, हम पूरा नहीं दिखा पाए, बाकी टोटल इंजन का काम इसका हो गया है। लास्ट ये चैम्बर लगा रहे हैं बस, बाकी जो लोग इसका काम करते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं इसके इंजन का काम। ये काम एक एक्सपर्ट और मैकेनिक के लिए है। तो अभी देखना ये है कि अब ये स्टार्ट होगा कि नहीं, या इसके आगे भी हमें और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ऑयल नहीं था गाड़ी में और हमने इसका काम ऊपर ही किया है, तो ज़्यादा कुछ बिखेरा नहीं किया हमने। तो दोस्तों फिलहाल गाड़ी के अंदर बैटरी नहीं है, तो हमारी आ गई है बैटरी हमेशा की तरह हमारा साथ देने के लिए। दोस्तों इसको लगाने से पहले मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताना नीचे। चीन की सबसे लंबी दीवार विश्व की मानी जाती है, तो विश्व की सबसे दो नंबर पर आने वाली दीवार हमारे इंडिया के अंदर है, तो वो कहाँ है कमेंट करके बताएँ। और अगले वीडियो में हम वहीं चलेंगे, वहाँ जा कर देखेंगे कैसा क्या नज़ारा है, क्योंकि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तो हमने बहुत सुन लिया, लेकिन द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया हम जाके देखेंगे। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, अपनी लाइन पे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़, ये तो बहुत गलत बात है, आप कर लें। और ये अपन ने लास्ट ऑयल डाल दिया है इसके अंदर नया, और अब इसको करना है स्टार्ट। ओके, तो यहाँ हमें लगता है हमारी थोड़ी बैटरी लो है या थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है, तो फटाफट दूसरी लगा के देखते हैं। तो बैटरी चेंज कर दी है, अब देखते हैं वापस। तो गाइस अभी ये स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो चलिए देखते हैं अब और क्या बाकी रह गया है। अब लगाते हैं लैपटॉप, लैपटॉप के अंदर क्या फॉल्ट आता है वो देखते हैं। तो दोस्तों अभी थोड़ा ध्यान से देखना, अभी क्या है कि हमें सीट हटानी पड़ी इसकी, बहुत ताड़िया आ रही थी। तो दोस्तों जैसे हम सेल्फ मारते हैं, एक तो होता है फ्रेशर टारगेट डिमांड, जो कि ये नीचे दिखा रहा है 294, मतलब इतना होना चाहिए।
और जैसे ही हम सेल्फ मारते हैं तो यहाँ पे देखिए 28 पर इतना ही जा पा रहा है। इसका मतलब क्या है, या तो हमारे कॉमन रेल सेंसर की वायरिंग में कहीं दिक्कत है, या सेंसर दिक्कत है, या हमारा पंप प्रेशर नहीं दे रहा है। तो हम ठहरे बहुत महान एक्सपर्ट लोग, तो हमने कॉमन रेल की वायरिंग सब चेक कर ली है। ये है पंप, इसको हमने खोल दिया है और ये जाम हो चुका था पूरा, क्योंकि इसके अंदर ऑयल नहीं पहुंचा। इसके अंदर ऑयल की अलग से पाइप दे के लाइन दे रखी है और नीचे इसका रिटर्न है जो वापस चैम्बर में ऑयल चला जाता था। तो ये जाम हो चुका है क्योंकि गाड़ी के अंदर ऑयल था ही नहीं, इसके अंदर ऑयल पहुंचा ही नहीं, तो कॉमन रेल कहाँ से बनाएगी प्रेशर, ये काम ही नहीं कर रहा है। तो इसको चेंज करेंगे। ये देखिए इसकी पुली वुली भी टूट गई है पूरी, और इसके अंदर जो लॉक आती है वो भी टूट गई है और सीज हो गया है पूरा, तो इसको चेंज करेंगे। तो प्लीज़ मैं ऐसे बोलता नहीं हूँ दोस्तों, लेकिन फिर भी यार प्लीज़ आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले, क्योंकि हमें इंडिया की सबसे लंबी दीवार देखने भी जाना है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ओके, तो फाइनली हमने पंप भी चेंज कर दिया है, अब देखते हैं क्या होता है। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। म्यूजिक। तो गाइस गाड़ी हमारी एकदम स्टार्ट है और कंप्लीट है, लेकिन इसके अंदर अभी सूट पार्टिकल ज़्यादा हो गए हैं, तो इसका रीजनरेशन करना पड़ेगा, उसी के बाद हम इसको गाड़ी को रिलीज़ करेंगे। लेकिन अभी हम काफ़ी थक चुके हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे वहीं पे जहाँ मैंने बोला है। तो इसी के साथ दोस्तों यही उम्मीद करूँगा कि थोड़ा सा प्लीज़ सपोर्ट दिखा दो अपना, और जितनी हो सके उतनी कमेंट करो क्या बुराई है, क्या मतलब क्या सुधार करना चाहिए, सब आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।